जय हिंद। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत में एक महामारी पहले से ही चल रही है, उसके चलते एक वायरस और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस को म्यूकर माइकोसिस भी कहा जाता है। तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि हमारी बॉडी में एंटर कैसे होता है, कैसे ये ग्रो करता है, एंड क्या है इसके सिम्टम्स हैं, एंड कैसे हम इससे बच सकते। बहुत छोटा सा एक पार्टिकल होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, हमें दिखता भी नहीं है। ये मोस्टली पाया जाता है सोयल में, खाद में या मिट्टी में, पौधों में होता है, और हवा में होता है ये, या जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पे होता है ये, उस सरफेस पे ग्रो कर जाता है ये ऑटोमेटिकली। हमारी स्किन के अंदर एंटर कैसे होता है ये? हमारी स्किन के अंदर ऐसे एंटर होता है जैसे कहीं पे कट लगा हुआ है हमारी स्किन के अंदर, वहां से एंटर हो जाएगा। या हमारी स्किन जली हुई है, लाइक जैसे जल गई है, जलने के बाद वहां पे जो घाव सा आ जाता है वहां से हमारे स्किन में एंटर हो जाएगा। लाइक किसी को स्किन डिसीज है, ये वहां से भी एंटर कर सकता है आपकी बॉडी में। लाइक आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है, जल जाता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से बैंडेज यूज करें उसके लिए, उसको खुला बिल्कुल मत छोड़ें। ये हार्मफुल किन के लिए? ये हार्मफुल उन लोगों के लिए है जो कोरोना से, कोविड से रिकवर कर रहे हैं या रिकवर हो चुके हैं, उनके लिए बहुत हार्मफुल है। मतलब अगर कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है, डिस्चार्ज होने के 12 टू 15 डेज उसको मतलब रेगुलरिटी में मास्क लगा के रखना है, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है, क्योंकि उस वो फेज ऐसा होता है जिसमें उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, स्टेरॉइड लेता है इंजेक्शन की वजह से, उस वजह से बहुत ज्यादा वीक हो जाता है इम्यून सिस्टम, और ये इफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है उन पे। पेशेंट डायबिटिक है उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स लाइक ये आईज पे इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा। आईज में ना मतलब ये यहाँ पे रेडिश पन आ जाएगा, या आईज के अंदर आपके रेडिश पन आ जाएगा। आप जब सामने देख रहे हैं तो ब्लर हो जाएगा, थिंग्स ब्लर दिखेंगी आपको कुछ भी देख रहे हैं आप तो, या डबल विजन आ जाएगा, मतलब कुछ भी देख रहे हैं आप डबल दिखेगा आपको। एंड ये नोज के थ्रू एंटर कर सकता है, लाइक इस यहाँ से ये सारा रेड हो जाएगा या ब्लैकिश सा हो जाएगा। कैविटी जो नेजल कैविटी होती है उसके अंदर ये जम जाएगा। सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस छोड़ने में दिक्कत आती है इससे। जो चेस्ट है उसमें पेन होने लगेगा। वोमिट करते हुए अगर ब्लीडिंग आती है तो ये उसका सिम्टम है। वोमिट तो नॉर्मल है, अगर वोमिट में ब्लीडिंग होती है तो ये उसका सिम्टम्स है ब्लैक फंगस का। जब आप माउथ वॉश करते हैं अगर तब ब्लीडिंग होती है, माउथ वॉश करते टाइम ब्लीडिंग हुई तो ये उसका सिम्टम है। तो अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो आप प्लीज केमिस्ट से कंसल्ट बिल्कुल मत कीजिए, आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर से ही सीटी स्कैन होगा, उसके बाद एमआरआई होगा, उससे जल्दी पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में ये इन्फेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेनली होता वहां पे है जैसे कंस्ट्रक्शन साइट हो गई, धूल मिट्टी में ये ट्रेवल करता है, जैसे धूल मिट्टी उड़ रही है वहां पे आप जा रहे हैं तो वहां ये बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है। हम बच कैसे सकते हैं इससे? जैसे हम इससे बच सकते हैं, जैसे आप मास्क लगा के रखेंगे, और कोविड पेशेंट से जो रिकवर हो चुके हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है 12 टू 15 डेज मास्क रेगुलर लगाना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना। वैसे तो ये सबके लिए है बट उनको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो सैनिटाइजर का यूज करना, टाइम टू टाइम हैंड वॉश करना, खाने से पहले हैंड वॉश करना, खाने के बाद हैंड वॉश करना, और बिल्कुल भी अपना हैंड नोज एंड माउथ पे बिल्कुल टच मत करें। ट्राई करें कि बिल्कुल भी किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ना जाएं, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी जाना है तो डबल मास्क लगा के जाएं। डबल मास्क सर्जिकल प्लस क्लोथ मास्क, दोनों सर्जिकल मत लगाएं, दोनों क्लोथ मत लगाएं, सर्जिकल प्लस क्लोथ मास्क लगा के जाएं। फुल स्लीव शर्ट पहने, ट्राउजर शूज, ग्लव्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं। ग्लव्स कैसे, अगर आप सोयल वगैरह का काम करते हैं तो उसमें ग्लव्स बिना सर्जिकल ग्लव्स के यूज मत करें, या मिट्टी को मत हाथ में लें, वो भी हार्मफुल हो सकता है। अगर आप स्टेरॉयड लेते हैं और उसके बिना अगर आपका काम चलता है तो आप बिल्कुल स्टेरॉयड बंद कर दें। ये स्टेरॉयड आपका इम्यून सिस्टम वीक करता है, और फिर ये ब्लैक फंगस इम्यून सिस्टम पे बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। घबराने की कोई बात नहीं है, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ये उस पे 99% इफेक्ट नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। सिर्फ जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उस पे ये अटैक करता है। तो बिल्कुल भी निश्चित, हमें हर बात से निश्चित, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तभी घर से बाहर निकलें, तो बचाव के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने। धन्यवाद।
कि आज हम एक काल्पनिक दौर से गुजर रहे हैं, तो हमारी एक टीम ने छोटा सा इनिशिएटिव उठाया है कि यदि किसी फैमिली में कोई कोविड पेशेंट है या खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ सहारनपुर के एरिया में या सहारनपुर के आसपास के एरिया में आप प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आप तक खाना ज़रूर पहुँचाएँगे। ना तो कोई वीडियो पोस्ट की जाएगी इससे रिलेटेड, ना ही कोई पिक वगैरह शेयर की जाएगी, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप हमें बताएँ आपके घर खाना पहुँच जाएगा, घर पर रहें।